हेलो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल रजा फाइंड आउट में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने फ़ोन के कैमरे को कैसे आप सेटिंग उसके सही कर सकते हैं, अगर गलत हो गया तो उसे कैसे सुधार सकते हैं, उसमें कौन कौन सी सेटिंग होती है, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं लेते हैं, हम ले चलते हैं अपने फ़ोन स्क्रीन के कैमरे वाले स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कोई और एप्लीकेशन के नहीं, अपने फ़ोन के एप्लीकेशन के कैमरे के बारे में। तो अपने फ़ोन के एप्लीकेशन के कैमरे से हम कैसे खूब बढ़िया से बढ़िया पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसमें बताने जा रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का जो ये कैमरा है उसे ही ओपन करना है और किसी चीज़ को नहीं, मतलब कोई भी नई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे क्या करना है, ओपन करना है। तो सिंपली हम इसे ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन होगा। तो पहले मैं सेटिंग को समझा देता हूँ आप लोगों को कि सेटिंग में असल होता क्या क्या चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले होता है फ़ोटो रेशियो, मतलब फ़ोटो की साइज़ इसमें आती है, कौन कौन सी साइज़ होती है, जैसे कि 4:3 और 1:1, और एक होता है 4:3। तो मैं बताने देना चाहता हूँ, फ़ोटो अगर आप फुल स्क्रीन में खींचना चाहते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप फुल स्क्रीन में रखेंगे और स्क्वायर में, मतलब चारों ऊपर से नीचे से चारों तरफ से बराबर हो, तो 1:1 का रख सकते हैं आप, स्क्वायर में आ जाता है और वो डिफ़ॉल्ट है इसमें। मतलब फ़ोटो की जो मेन क्वालिटी होती है वो रहेगी। और यहाँ पर एक है टच टू टेक ए फ़ोटो, तो यहाँ पर टच टू टेक ए फ़ोटो, पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि सभी के फ़ोन में अलग अलग फंक्शंस होंगे, सभी के एक जैसे नहीं होंगे, किसी का ऊपर किसी का नीचे होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ वो सब आप ध्यान से सुने। टच टू टेक ए फ़ोटो, इसमें क्लिक करने के बाद में दोस्तों होता क्या है, असल में मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर कहीं पर भी टच करोगे तो आपका एक फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। यहाँ दोस्तों इस स्क्रीन पर ना कहीं भी आप टच करोगे तो एक फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो ये था हमारा टच टू टेक फ़ोटो। और यहाँ पर गेस्चर टू टेक फ़ोटो, तो गेस्चर टू टेक फ़ोटो कब काम करता है दोस्तों, यहाँ पर मैं फ्रंट का कैमरा ऑन कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। फ्रंट का कैमरा ऑन करने पर यहाँ पर आप गेस्चर मोड ऑन कर सकते हो, जैसे कि मैं ये देखो करता हूँ इसकी, यहाँ से फंक्शन से आप गेस्चर मोड देख पाओगे। यहाँ ये ऑफ था, हम ऑन कर दिए हैं, तो ऑन करने के बाद आपका गेस्चर मोड ऑन हो गया। और यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर देखो गेस्चर मोड ये ऑन हो गया, मतलब ये चार उंगली दिखाओगे तो ये अपने आप फ़ोटो ले लेगा, कहीं पर फ़ोन रख दो वहाँ से ये फ़ोटो ले लेगा। तो आप गेस्चर मोड तो समझ चुके हैं। अब उसके बाद आते हैं वॉल्यूम बटन, ये जो हमारा वॉल्यूम बटन है, तो इससे हम एक शटर का कर सकते हैं, वॉल्यूम का कर सकते हैं और प्लस में जूमिंग का कर सकते हैं। तो सिंपली आप शटर में रख सकते हैं क्योंकि इसका शटर करना होता है। और उसके बाद में मैं दोस्तों बता दूँ, फिंगर प्रिंट शूटिंग, आप चाहो तो इसके फिंगर प्रिंट से भी शूटिंग कर सकते हो इसको ऑन रखकर। और यहाँ पर ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप फ़ोटो देखोगे तो यहाँ पर कुछ ग्रिड लाइन यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा फ़ोटो है वो यहाँ पर रहे, चाहे यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, इस मतलब कहीं भी इस तरह से ग्रिड लाइन करके आप बहुत ही बेहतरीन फ़ोटो खींच सकते हो। उसके बाद में हम बता देते हैं दोस्तों, यहाँ लोकेशन हमारे फ़ोटोज़ पर दिखा रही है या नहीं दिखा रही है, ये देखना है हमें, ठीक है। उसके बाद में शटर साउंड, अब जैसे हम फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो शटर साउंड आ रहा है, लेकिन अब क्लिक करेंगे तो शटर साउंड नहीं आएगा और फ़ोटो क्लिक ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद में फ्लिप सेल्फी की बात है, तो सेल्फी खींचते वक्त आप फ्लिप हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, फ्लिप सेल्फी को ऑन करके। सेव टू एसडी कार्ड परफॉर्मेंस, तो सेव टू एसडी कार्ड परफॉर्मेंस करोगे दोस्तों तो ये क्या होगा, आपका जो फ़ोटो क्लिक करोगे तो वो आपके फ़ोन के मेमोरी में नहीं, जो एक्सटर्नल एसडी कार्ड लगाए रखोगे अपने फ़ोन में, उसमें सेव होना शुरू हो जाएगा। वाटरमार्क की बात कर ले दोस्तों, वाटरमार्क एक ऐसा चीज़ है, इसमें आपका नाम वगैरह जो कुछ आप लिखना चाहते हैं अपने फ़ोटोग्राफ़र का नाम, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसे ओके कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर फ़ोटो एक क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो क्लिक करने के बाद आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देख पाओगे
यहाँ पर हमारा नाम आ गया शो, शॉट ऑन रियलमी 2 बाई रजाउर रहमान। इस वाटरमार्क को आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, वो तो है। अब हमारी सेटिंग की सारी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ, ये तो तीन डॉट्स हैं इन सब के बारे में। एक है फ्लैश लाइट का, तो इसमें ऑटो करके रख दो दोस्तों। जब ये अंधेरे का सीन लेगा, जैसे कि मैं ये अंधेरे का कुछ सीन इसको देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसकी फ्लैश जड़ने लगेगी। जैसे कि देखो ये रहा, फ्लैश ऑटोमेटिक ही जलने लगेगी। अंधेरे का सीन में जाते हैं और यहाँ पर ये ऑटो में रहेगा तो ऑटोमेटिक नहीं लेगा। उसी तरह HDR का है, HDR को अगर आप ऑटो कर देते हो तो ये ऑटोमेटिक ही ये HDR में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पर HDR का मोड ऑटोमेटिक कैसे आता है। जैसे देखो ये रहा हमारा HDR का, HDR में होता ये है दोस्तों, फोकस एक जगह होती है और पीछे साइड का थोड़ा सा ब्लरिंग आ जाता है। जैसे कि फ़ोटो देख पाओगे हमारा कैसे शानदार फ़ोटोज़ आई हैं, जैसे ये एग्जांपल है, देख पाओगे यहाँ पर फोकस नहीं रहा, पीछे फोकस चला गया, इसकी वजह से आप फोकस थोड़ी सी कन्वर्ट हो गई थी। मैं यहाँ फोकस करता हूँ दोस्तों, देख पाओगे कितना शानदार फ़ोटो क्लिक हुआ है, और वो भी किसी और फ़ोन से नहीं, अपने फ़ोन के अपने कैमरे से ही, मतलब किसी और कैमरे से नहीं। तो ये तीनों तो हो गया, और यहाँ पर एक टाइमर का ऑप्शन है। टाइमर तो आप लोग शायद जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वहाँ पर मैं बता दूँ, ये 3 सेकेंड का टाइमर है और यहाँ पर 10 सेकेंड का टाइमर है। तो टाइमर में होता क्या है, जैसे हमने फ़ोटो ये क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होता है, टाइमर सेट हो जाता है और जस्ट 3 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक होता है। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर फ़ोटो मोड की बात कर देता हूँ। यहाँ पर एक एक्सपर्ट मोड है, तो एक्सपर्ट मोड में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर कोई एक फंक्शन है जिसमें से आप, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर देख पाओगे ये हम एक्सपर्ट मोड में किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है हमारा, उसे मतलब ज़्यादा ठंड कर सकते हैं सॉरी दोस्तों, ज़्यादा ठंड कर सकते हैं और ज़्यादा हीटिंग कर सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंडी पड़ रही है, या फिर इसे ऑटो रख देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही अपना काम करता रहेगा। यहाँ शटर है, मतलब बहुत सारी ISO है, EV है, इन सबको आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब उसकी बात नहीं करते, अब बात करते हैं हम पैनो की। तो पैनो फ़ोटो होता क्या है, जैसे कि मैं यहाँ से फ़ोटो क्लिक करना शुरू करता हूँ, देखो ये देख पाओगे दोस्तों, ऐसे अगर आप फ़ोन के कैमरे को घुमाते रहेंगे तो इस तरह का देखो फ़ोटो कैसा क्लिक हुआ है हमारा। ये होता है पैनो फ़ोटो, मतलब आपको अगर चौड़ी फ़ोटो लेनी है बहुत लंबी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके पैनो फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद में वीडियो का ऑप्शन है, तो वीडियो का ऑप्शन के बारे में यहाँ पर मैं बता दूँ, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है टाइम लैप्स में आप सेट करके ना एक टाइम से ये वीडियो बनाएगा, लगभग देख पाओगे कि कितने सेकंड का लगभग बना रहा है। यहाँ पर 6 सेकंड का बना लिया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, मतलब यहाँ पर ये टाइमर चलता रहता है। और यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर ये, अब इसे हम स्टॉप करते हैं तो हम अपने वीडियो को देख सकते हैं कि असल में हुआ क्या है। यहाँ पर देख पाओगे कितना फास्ट वीडियो बना है, मतलब ये फास्ट मोड है टाइम रिप्लेस, मतलब किसी भी वीडियो को ना कुछ ज़्यादा ही फास्टिंग में कर सकते हैं। और हम यहाँ पर स्टैंडर्ड करके ना, मतलब स्लो मोशन और फास्ट मोशन ये वाला ऑप्शन था, अगर यहीं पर स्लो मोशन करना चाहते तो स्लो मोशन भी कर सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर ब्यूटी की, तो यहाँ पर ब्यूटी कर देंगे तो जैसे कि इसमें स्किन में समझ में आएगा कि ब्यूटी का फ़ायदा क्या है। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर ये सब कैसा कैसे दिखा रहा है। अब ब्यूटी में जाते हैं, हम थोड़ा सा ब्यूटी करके देखते हैं, अब देखो यही फ़ोटो किस तरह की आने लगी। तो ब्यूटी में थोड़ा बहुत क्वालिटी स्किन को वाइट कर देता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर है, यहाँ पर एक फंक्शन है जिसमें अलग अलग प्रकार के आपको फंक्शन दिखने को मिल जाएंगे, आप जो चाहो वो सिलेक्ट करके ना ये कर सकते हो। तो इसे हम छोड़ते हैं, अब आते हैं फ़ोटो के ऊपर। फ़ोटो में भी वही चीज़ ऑप्शन है, और यहाँ पर 1x का, 1x2 जूमिंग का होगा। यहाँ पर देख पाओगे दोस्तों कितना जूमिंग हो सकता है, 4x तक इसमें जूमिंग है, किसी किसी में 10x होती है, बहुत सारी
फ़ोन में अलग अलग होती है। उसके बाद मैं पोर्ट्रेट की बात कर ले, पोर्ट्रेट में होता क्या है, पोर्ट्रेट होता क्या है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो जैसे हमारा ये हैंड है, हाथ के पीछे वाला भाग जो है ना, वो आपको देख पा रहे हो कि वो कैसे ब्लर दिख रहा है। तो असल में ये होता है एक्चुअली यही। यहाँ पर जैसे ये पौधा है, ये मतलब पेड़ का पत्ता तो हिल रहा है, एकदम अस्थिर रहना चाहिए तभी ये पोर्ट्रेट मोड सही से काम कर पाता है। तो यहाँ पर मैं इसको फोकस करता हूँ, पीछे वाले को, पीछे वाले से ज़्यादा इस पर फोकस देते हैं हम, और थोड़ा सा इसको नज़दीक ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फोकस लेगा। और ये रहा हमारी फ़ोटो, क्लिक हो गई दोस्तों। जैसे कि अब दिखा दें हम आपको इसको ओपन करके, तो आप देख पाओगे कितना बढ़िया क्वालिटी का फ़ोटो क्लिक हुआ है, ठीक है। ये पोर्ट्रेट मोड है, और ये स्टिकर मोड है। तो स्टिकर मोड में बहुत सारी स्टिकर्स होती है जो आप यहाँ से सेलेक्ट करके ना लगा सकते हो। तो हम स्टिकर मोड को उतना आपको बताने के लिए, चलिए एक दो एक आध मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए मुझे फ्रंट कैमरा ओपन करना होगा। तो जैसे कि स्टिकर मोड आते ही आप देख पाओगे कि कैसे स्टिकर्स आ रहे हैं। और कोई और स्टिकर लगाना है तो जैसे देखो दोस्तों ये स्टिकर कैसे आता है, जैसे ये है। यहाँ पर देखो कितना बढ़िया और क्वालिटी वाला, बिना एडिटिंग की मतलब स्टिकर मोड में जाकर ना आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। उसके लिए और भी मैं बता दूँ, यहाँ पर ये देखो ये मेरे गले में क्या लग रहा है। तो इस तरह के फ़ोटोज़ और वीडियोस में भी आप स्टिकर लगा सकते हैं अपने फ़ोन से ही। तो अब ज़्यादा नहीं दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन पूरा इसमें डिटेल बताने में तो थोड़ी लंबी होगी ही होगी। चलो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोगों ने जो देखा ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे रेजा फाइंड आउट को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके।